सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप फोकस को लाइटनिंग एआई पे कैसे रन कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लाइटनिंग एआई की वेबसाइट पे चले जाते हैं। देन हमें न्यू स्टूडियो ओपन करना है, तो न्यू स्टूडियो देन स्टार्ट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, जीपीयू सेलेक्ट करना है। जीपीयू में हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, पहला वाला, क्योंकि यही फ्री मिलता है इसमें और इसको हम 22 आवर्स तक यूज़ कर पाएंगे। देन कंफर्म। अब ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा रेडी होने में, सो लेट्स वेट। सो हमारा रेडी है, अब हम इस पर स्विच कर लेते हैं। स्विच, फिर अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा जीपीयू रन टाइम स्विच होने में। नाउ ये अब ये शायद हो चुका है। अब हम इसमें न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। अब हमें इस वाली रेपो पे आना है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको इसे कॉपी करना है। देन यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। अगेन हिट एंटर, सारी प्रोसेस अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा आपको, सो आपको यहाँ पे वेट करना है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐप स्टार्टेड सक्सेसफुल और ये 7865 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो आप पोर्ट्स के सेक्शन में जाके इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है 7865, देन हिट एंटर। अब यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है, देन आप न्यू टैब में इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारा फोकस का वेब व्यू है ओपन हो चुका है। अब एडवांस सेक्शन पे एक इमेज जनरेट करके चेक करते हैं। अब देख सकते हैं इसके अंदर अभी कोई मॉडल इंस्टॉल नहीं है, डिफ़ॉल्ट मॉडल जो आते हैं वही इंस्टॉल है। अब मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि मॉडल्स को कैसे इंस्टॉल करना है, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो मैं एक इमेज जनरेट करता हूँ। प्रॉम्प्ट है रोज़ विद आइस इफेक्ट। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा वाटर टाइप का इफेक्ट दे दिया है। इसके लिए हम एक मॉडल को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे। मैं लोरा मॉडल का यूज़ करूँगा इसमें, और तो इसके अंदर देख सकते हैं सिंपल। मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर भी कोई मॉडल इंस्टॉल नहीं है। तो हमें लोरा मॉडल इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। देखो न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। देन आपको इस रेपोजिटरी पे अगेन वापस आना है और लोरा डाउन करने के लिए ये सेकेंड वाला आपको कॉपी करना है। अब हम इस ट्रैक्टर में आ चुके हैं, इसमें आके आपको wget hyphen कैपिटल ओ, देन आपको क्या करना है, आपको लिंक चाहिए होगा। इसके लिए लिंक के लिए हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है।
इस वेबसाइट पर आने के बाद डाउनलोड सेक्शन में जाके कॉपी लिंक एड्रेस इसे कॉपी करना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आप अब हम इस मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं तो इसका कुछ फाइल नेम हमें देना पड़ेगा। तो फाइल नेम के लिए मैं इस फाइल नेम का नाम आइस डॉट सेव टेंसर्स दूंगा। डब्ल्यू गेट कैपिटल उसे क्या करेगा, ये नाम से एक फोल्डर बना देगा, मतलब इस नाम से इसे डाउनलोड करके सेव कर देगा। सो अगे अब उसके आगे हमें क्या करना है, लिंक दे देनी है मॉडल की। सो ये मॉडल हमारा डाउनलोड हो रहा है और देख सकते हैं आइस डॉट सेव टेंसर्स नाम से सेव भी हो चुका है। अब हम अगेन वेब यूआई पे जाएंगे, वेब यूआई पे जाके रिफ्रेश ऑल फाइल से हमने रिफ्रेश कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नाम हमने सेव किया था उससे मॉडल आ चुका है। जनरेट का बटन मेरे ख्याल से ये शायद कोई ग्लिच है या बग वग है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन। सो अगेन एडवांस, मॉडल में अभी शो नहीं कर रहा, हमें रिफ्रेश करना होगा एक बार और। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। अब इस वेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सेम प्रॉम्प्ट के साथ मैं अगेन इमेज जनरेट करके चेक करते हैं। सो मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ सेम द रोज रोज विद आइस इफेक्ट, लेट्स जनरेट इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा आइस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको ये तो रही लोरा मॉडल्स की, अगर आपको चेक पॉइंट्स इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, देन आपको बैक जाना पड़ेगा यहाँ से। सो बैक जाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, सीडी, फिर देन हम मेन में बैक आ चुके हैं। देन आपको अगर चेक पॉइंट्स इंस्टॉल करना है तो ये थर्ड वाले को कॉपी करना है, मतलब थर्ड वाले को कॉपी करना है, थर्ड वाले को। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आपको क्या क्या करना है। थर्ड वाले कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करना है और सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। बस आपको फाइल नेम चेंज करना है, फाइल नेम में आप जो मॉडल को इंस्टॉल कर रहे हो उसका नाम दे देना या फिर कुछ भी दे सकते हो अपने मन से। बस उसके आगे डॉट सेव टेंसर जो लिखना और देन मॉडल की लिंक, प्रोसेस ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं इसको करके नहीं दिखाऊंगा, आप ये खुद कर सकते हो। लोरा और चेक पॉइंट्स के लिए सेम है, बस थोड़ा सा आपको वो चेंज करना पड़ेगा। अब इसको अगेन रीस्टार्ट कैसे करें, तो रीस्टार्ट करने के लिए मैं इसे क्लोज कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक नया टर्मिनल में इसको ओपन करता हूँ। मैं इसको ना न्यू टर्मिनल में ओपन करता हूँ, मतलब न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब मैं अगेन इसको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जिसको हमने क्लोन किया था। सो फोकस लाइटिंग एआई में हम चले गए, इस डायरेक्टरी में हमने इसे कॉपी क्लोन किया। अब देन इसके अंदर sh start डॉट sh इसे रन करना है। इसे रन करने के बाद ये दो से तीन सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये पहली बार प्रोसेस होने में टाइम लेता है। अब देख सकते हैं ये रनिंग ऑन लोकल URL, ये रनिंग में भी आ चुका है। ऐप स्टार्टेड सक्सेसफुल। अब देख सकते हैं हमने पहले से ही पोर्ट को फॉरवर्ड कर रखा है, तो अगेन करने की जरूरत नहीं, इसी से भी काम चल जाएगा। अगर नहीं किया तो आप अगेन कर लेना पोर्ट को फॉरवर्ड। देख सकते हैं हमारा वेब यूआई अगेन ओपन हो चुका है। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। Thank you.